आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व के बारे में। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। तो इसमें आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमेशा से ध्यान रखने हैं, जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत रहते हैं। मैग्नेट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत ट्रिकी या हाई लेवल क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा जा सकता है मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट कितने टाइप के होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल कितने टाइप के होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा आते हैं। बाकी मैग्नेटिक फील्ड वगैरह से छोटा सा क्वेश्चन बनता है कभी कभी, बाकी कोई हाई लेवल क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है नहीं। ठीक है भाई, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेट के बारे में। ठीक है, अरे कोई नहीं ज्वाइन हो पा रहा था, बस अभी अभी क्लास स्टार्ट हुआ है, किसी का ज्वाइन नहीं हो पाया सेशन, कुछ टेक्निकल इश्यू था इस वजह से। ठीक है भाई, चलिए तो बात करते हैं मैग्नेट चुंबक के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द मैग्नेट, चुंबक क्या होता है, तो आप सिंपल सी एक बात कर सकते हैं, सर मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो आयरन और आयरन लाइक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। आयरन लाइक ऑब्जेक्ट या दूसरे मैग्नेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की उसके अंदर पावर होती है, क्षमता होती है, उसे ही मैग्नेट कहा जाता है। अच्छा, मैग्नेट जो होते हैं वो आपके दो कैटेगरी में बांटे गए, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल नाम से ही पता चल रहा है, जो प्रकृति ने हमें दिए हुए हैं, नेचुरली हमें मिलते हैं। यहां से ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है कि प्राकृतिक चुंबक जो होता है नेचुरल मैग्नेट, उसे कहते क्या है। तो जो नेचुरल मैग्नेट होता है वो लोहे का अयस्क होता है, आयरन ऑफ सॉरी ओर ऑफ आयरन, यानी कि Fe3O4, ये आयरन का अयस्क होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइट या फिर लोड स्टोन। मैग्नेटाइट या लोड स्टोन के नाम से इसको जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपको याद रखने कि जो नेचुरल मैग्नेट होता है, प्राकृतिक चुंबक होता है, वो लोहे के एक अयस्क के रूप में प्राप्त होता है, जिसे मैग्नेटाइट या लोड स्टोन कहा जाता है। बाकी इसके अलावा जितने भी मैग्नेट आप देखते हो मार्केट में, वो सारे के सारे क्या होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, या वो मैन मेड है, लैब में बनाए गए हैं, वो नेचुरली हमें प्राप्त नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करें तो आप देख सकते हैं ये बार मैग्नेट, ये है आपका हॉर्स शू मैग्नेट, ये रिंग मैग्नेट, तो ये जितने टाइप के भी आप मैग्नेट यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल हैं, मैन मेड होते हैं, इनको लैब में बनाया गया है। और जो लोड स्टोन है या फिर मैग्नेटाइट है, वो नेचुरली हमें मिलता है, प्राकृतिक रूप से मिलता है। ठीक है भाई, अच्छा इसके बाद एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। भाई एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो मैग्नेट है उसमें अगर देखें तो जितने भी आपने देखे आर्टिफिशियल मैग्नेट, वही आपके डेली लाइफ में यूज भी होते हैं। आप चाहे बात करें बार मैग्नेट की, चाहे आप यू शेप मैग्नेट की, किसी की भी बात करें, तो वो आपके सिंपल से क्या है, डेली लाइफ में आपके यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है मैग्नेट को लेकर जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, पेपर में यही से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अगर किसी मैग्नेट को, किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए, फ्रीली सस्पेंड किया जाए, तो वो किस डायरेक्शन में जाकर रुकेगा। तो ये एक ट्रिक क्वेश्चन बनता है। मान लो ये हमारी अर्थ है, आपको पता है हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, हमारे पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं पृथ्वी के अंदर भी। तो ये हमारा पृथ्वी का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। यहाँ पे हमने एक मैग्नेट क्या किया, फ्रीली सस्पेंड कर दिया, स्वतंत्र रूप से लटका दिया। तो वो मैग्नेट हमेशा और हमेशा किस दिशा में जाकर रुकता है, नॉर्थ साउथ दिशा में। और आपको पता है मैग्नेट में भी पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर और दक्षिण ध्रुव की तरफ हमेशा रुकता है जाकर। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या है, एग्जामिनर पूछता क्या है, एग्जामिनर ने अगर आपसे ये पूछा कि अगर किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाए, स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए, तो वो हमेशा किस दिशा में जाकर रुकेगा, तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। ये बात तो सही है, लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा उसने घुमा दिया, उसने कहा कि बताइए कि चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है यानी कि नॉर्थ पोल, वो पृथ्वी के चुंबकीय किस ध्रुव की तरफ होता है। अगर
मैं बात करूं अर्थ के प्रति, तो अर्थ का मान लो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, तो अगर मैंने मैग्नेट को लटकाया है फ्रीली तो उसका कौन सा पोल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ होगा? अर्थ के, पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की तरफ। चुंबक का कौन सा ध्रुव होगा ये बताना है भाई आपको। अब दिमाग लगाओ, बोलो भाई चुंबक का कौन सा ध्रुव होगा? क्योंकि पृथ्वी में दो टाइप के पोल होते हैं, एक होता है चुंबकीय ध्रुव जो कि नॉर्थ साउथ बनाता है, एक होता है जियोग्राफिकल। ओके, तो अब साउथ की तरफ देखो, यही तो ट्विस्ट है यहाँ पे। हमेशा याद रखना, अगर जियोमेट्रिकल आपसे पूछा जाए, यानी कि अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव साउथ पोल नॉर्थ पोल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, तो चुंबक का नॉर्थ पोल पृथ्वी के ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल की तरफ होता है और साउथ पोल पृथ्वी के ज्योमेट्रिकल साउथ पोल की तरफ होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मैग्नेट की बात कर रहे हो तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो पृथ्वी का है वो चुंबक के साउथ पोल की तरफ होता है और जो साउथ पोल है वो नॉर्थ की तरफ होता है। ये कुछ इस तरह से होता है, मैग्नेटिक पोल जो है थोड़ा सा टिल्ट होता है अपनी जगह से, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ये थोड़ा सा टिल्ट होता है, तो ये हल्का सा टिल्ट होता है, तो ये इधर साउथ आ जाता है इधर नॉर्थ आ जाता है, ये मैग्नेटिक है। और ये दोनों क्या है? ये आपके ज्योमेट्रिकल है। बस इतना सा अंतर याद रखिएगा, यही कंफ्यूजन आता है, बाकी इतना इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। टफ टेस्ट, टफ से टफ क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा, बस इससे ज्यादा नहीं। तो आपको सिंपल क्वेश्चन बनेगा तो यही पूछेगा कि स्वतंत्र रूप से लटकाने पर बताओ किस दिशा में रुकता है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। किस डायरेक्शन में होता है वो आप देखेंगे कि क्या पूछा गया है, चुंबकीय ध्रुव पूछा गया है या फिर ज्योमेट्रिकल पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे, ठीक है भाई। ये एक ट्विस्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अच्छा आगे बात है, अब यहाँ पे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपको पता है। अगर आप एक मैग्नेट ले लें चुंबक, आपको पता है इसमें दो ध्रुव होते हैं, तो अगर सेम पोल पास आएंगे तो उनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, यानी कि प्रतिकर्षण होगा। जब समान ध्रुव पास आते हैं किसी भी मैग्नेट में तो उनके बीच क्या लगता है? प्रतिकर्षण लगता है, यानी कि रिपल्शन फोर्स लगता है। चाहे नॉर्थ नॉर्थ पास आए चाहे साउथ साउथ पास आए, दोनों ही केसेस में रिपल्शन होता है। लेकिन अगर अपोजिट पोल्स पास आते हैं तो उनके बीच क्या लगता है भाई? आकर्षण बल लगता है, यानी कि अट्रैक्शन, आकर्षण बल यानी कि अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, ठीक है। तो दो टाइप के फोर्सेस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, एक आकर्षण का और एक प्रतिकर्षण का, डिपेंड करता है कैसे ध्रुव आप पास ला रहे हैं। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट, कभी भी मैग्नेट अकेला सिंगल पोल के फॉर्म में नहीं रह सकता। आपके पास मान लो एक बड़ा सा मैग्नेट है और आपने इसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक कर लिया, तो आप ये नहीं कह सकते कि नॉर्थ अलग हो गया साउथ अलग हो गया, ये फिर से नॉर्थ साउथ बनाएगा और छोटा करोगे फिर से बनाएगा, हमेशा पेयर में पाया जाएगा। कभी भी नॉर्थ और साउथ, उत्तर दक्षिण ध्रुव अलग अलग नहीं पाए जा सकते, हमेशा पेयर में ही पाए जाते हैं। ये पॉइंट अच्छे से आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। बस दो प्रॉपर्टी है मैग्नेट के बारे में जो अच्छे से याद रखने। अब बात करते हैं डेली लाइफ में, तो आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप खरीदते हैं, छोटे से मोबाइल से लेकर बड़ा सा टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, कुछ भी खरीदिए, सब में मैग्नेट लगा होता है। बिना मैग्नेट के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको नहीं मिलती, चाहे आप जितना छोटा डिवाइस खरीदिए चाहे जितना बड़ा डिवाइस खरीदिए,
मैग्नेट किसी ना किसी रूप में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो बस आपको इंट्रोडक्शन में इतना ही याद रखना है कि चुंबक क्या होता है। चुंबक वो पदार्थ होते हैं जो आयरन और आयरन लाइक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। चुंबक दो कैटेगरी के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। नेचुरल मैग्नेट में आते हैं वो जो जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन का ओर जिसे कहते हैं हम लोग मैग्नेटाइट या फिर लोडस्टोन, ये एक प्राकृतिक चुंबक होता है। बाकी के सारे मैग्नेट जो हैं, बार मैग्नेट, हॉर्स शू, रिंग मैग्नेट, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल होते हैं। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगर इसे स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है और किसी दिशा में नहीं रुकता। उसके बाद मैग्नेट में हमने देखा कि अगर उसे आप ब्रेक करेंगे तो भी वो नॉर्थ साउथ दो पोल में ही रहेगा, अकेला पोल कभी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आता है मैग्नेट बनाएंगे कैसे। प्राकृतिक चुंबक तो मिल गया, कृत्रिम चुंबक जो बनाए जाते हैं वो किस चीज से बनाए जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, चुंबक अगर आपको बनाना है, मैग्नेट बनाना है, तो दो टाइप के आप मैग्नेट बनाते हैं, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। अगर आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना है यानी कि स्थायी चुंबक बनाना है, तो आप वहां पर यूज करेंगे स्टील। क्या यूज करेंगे भाई? स्टील। किसके लिए? स्थायी चुंबक के लिए, परमानेंट मैग्नेट। क्यों? क्योंकि स्टील एक ऐसा मटेरियल है कि अगर उसको एक बार आपने चुंबकित कर दिया, मतलब मैग्नेटाइज कर दिया, तो वो हमेशा के लिए मैग्नेटाइज हो गया, फिर उसको डीमैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता। यानी कि चुंबकत्व का गुण अगर उसमें एक बार आ गया तो वो हमेशा के लिए रहेगा, उसे आप खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए स्थायी चुंबक बनाने के लिए, जो हमेशा के लिए चुंबक बना रहे, उसके लिए हम यूज करते हैं स्टील। लेकिन जो टेम्परेरी मैग्नेट बनाए जाते हैं, अस्थायी चुंबक, वो अभी हम आपको बताएंगे आगे कि क्या होते हैं अस्थायी, तो वो चुंबक बनाने के लिए हम नर्म लोहे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई? सॉफ्ट आयरन, यानी कि नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। ये आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं इसीलिए। तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि नर्म लोहा का प्रयोग कर रहे हो तो टेम्परेरी मैग्नेट बनता है, परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो स्टील का प्रयोग करिए, क्योंकि स्टील एक बार मैग्नेटाइज हो गई तो हमेशा के लिए रहेगी। बस इतना सा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट की। अगर आपसे कोई पूछे कि चुंबक को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, तो भाई तीन प्रकार से चुंबक बांटे गए। कौन कौन से? एक परमानेंट यानी कि स्थायी चुंबक, टेम्परेरी अस्थायी चुंबक, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यानी कि विद्युत चुंबक। अब ये तीनों हैं क्या, किस तरह से काम करते हैं वो समझते हैं भाई ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट यानी कि स्थायी चुंबक की। हम आपको पीछे बता ही चुके हैं, स्थायी चुंबक स्टील से बनाए जाते हैं, और ये ऐसे मैग्नेट होते हैं जो एक बार मैग्नेट बन गए तो लाइफ टाइम मैग्नेट रहेंगे, आप उन्हें डीमैग्नेटाइज नहीं करेंगे। ठीक है, वो हमेशा के लिए क्या है? मैग्नेट बन चुके हैं, एक बार चुंबक हमेशा चुंबक, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? बार मैग्नेट, हॉर्स शू, रिंग, ये सारे के सारे स्थायी चुंबक होते हैं जो आपको डेली लाइफ में देखने को भी बहुत सारे मिल जाते हैं। तो स्थायी चुंबक एक बार चुंबक बना दिए गए तो हमेशा बने रहेंगे। अब यहाँ से एक ट्रिक क्वेश्चन आता है, क्या परमानेंट मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है? यस और नो, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे भाई। बताओ, क्या स्थायी चुंबक को उसके चुंबकीय गुण नष्ट किए जा सकते हैं? हाँ या ना? नहीं, नहीं कर सकते। स्थायी चुंबक एक बार बन गया तो बन गया। अच्छा, आप लोगों ने वो गेम खेला है, कई सालों पहले गेम चलता था, एक इस तरह का मैग्नेट आते थे, दो इस टाइप के दो मैग्नेट आते थे, है ना, उनको ऐसे हवा में उछालो तो जब वो आपस में चिपकते थे तो साउंड प्रोड्यूस करते थे बढ़िया सा, है ना, जैसे स्पार्क होता है वैसा साउंड आता था, वो चिपक जाते थे हवा में अपने आप। ध्यान है आप लोगों को, है ना, आज भी आते हैं ना? हाँ, वो आते हैं ना हवा में, ऐसे उछालो तो चिपकते हैं तो आवाज करते हुए जाते हैं। हाँ वही। अच्छा, वो गेम अगर आपने कभी खेला होगा तो आपको याद होगा कि उसको काफी दिनों तक जब यूज करते थे
तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज धीरे धीरे कम होने लगती थी। जब जब वो ज्यादा गिरता था, ज्यादा बार गिर जाता था, तो चिपकता नहीं था जल्दी, है ना। ये चीज आपने गौर किया होगा उस पर, तो वो भी एक स्थायी चुंबक था, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज भी धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगी। क्यों? क्योंकि आप उसे बार बार पीट रहे थे, बार बार उसे आपस में कोलिजन करा रहे थे, इस वजह से। तो स्थायी चुंबक को भी विचुंबकित यानी कि डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। रीजन क्या है, किस वजह से कर सकते हैं, वो तीन कारण समझते हैं। कौन से वो तीन तरीके हैं जिससे आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लॉस कर सकते हैं। पहला, एक्सपोज मैग्नेट टू एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी कि अगर आप चुंबक को उच्च तापमान पर गर्म करिए, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर गर्म करिए, तो आप आसानी से उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लॉस कर सकते हैं, बहुत आराम से, ठीक है। अच्छा, या फिर मैग्नेट को आप क्या करिए, हैमरिंग करिए, यानी कि पीटने पर। जब आप मैग्नेट को पीटते हैं बहुत ज्यादा, तो वो क्या होता है, जैसे कि आप उन्हें कोलिजन कराते थे, तो ज्यादा पीटने से भी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज धीरे धीरे खत्म होती जाती है। या फिर तीसरा तरीका है, आप लोगों ने क्लास 11 12th में देखा होगा, अगर आप लोग लैब जाते होगे फिजिक्स की स्कूल में, तो वहां पे एक मैग्नेट वाला एक्सपेरिमेंट कराया जाता था। तो मैग्नेट में आपको बार मैग्नेट वहां पे दिए जाते थे, जिसमें नॉर्थ साउथ ऐसा लिखा होता, दो बार मैग्नेट दिए जाते थे, एक लकड़ी के बॉक्स में रखे होते थे दोनों, अगर आपको ध्यान हो तो। ये एक्सपेरिमेंट लगभग लगभग सभी स्कूलों में कराया जाता है 12th में। तो वहां पे क्या होता था, बार मैग्नेट दिए जाते थे दो, उन्हें एक बॉक्स में रखा जाता था, उसके बीच एक लकड़ी रखी जाती थी, छोटा सा ब्लॉक लकड़ी का रखते थे, और मैग्नेट को हमेशा अपोजिट साइड में ऐसे करके रखा जाता था। लेकिन अब आप मैग्नेट को अगर डीमैग्नेटाइज करना चाहते हैं, तो आप उसे जबरदस्ती पास लाकर रखिए सेम पोल के साथ, यानी कि ये लकड़ी हटा दीजिए और इन अप्रोप्रिएट मैनर में रखिए, मतलब ये नॉर्थ साउथ है, इसका भी नॉर्थ साउथ पास लाके रख दो, तब ये दोनों तो एक दूसरे से दूर भागते हैं, लेकिन आप उन्हें जबरदस्ती पास ला रहे हैं, तो इससे भी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज धीरे धीरे लॉस कर देता है, ठीक है। तो स्थायी चुंबक का, चुंबकत्व का गुण अगर खत्म करना है, तो तीन तरीके हैं, हाई टेम्परेचर पे गर्म कर दो, या फिर हैमरिंग कर दो, या फिर उसको इन अप्रोप्रिएट मैनर में रख दो, बस इतना सा, ठीक है। तीन तरीके हैं, आप इससे उसको खत्म कर सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ओके, ये याद रखिएगा। बाकी आपको नोट्स हिंदी में भी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सारे फिगर अवेलेबल हैं, इसके एग्जाम्पल भी अवेलेबल है, कौन कौन से होते हैं परमानेंट मैग्नेट, ओके। अब आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट, यानी कि अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक की अगर बात करें, तो ये वो मैग्नेट होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में आकर खुद को मैग्नेट बना लेते हैं, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पेरेंट्स के सामने स्टूडेंट बहुत सीधा बनता है ना, पापा मम्मी खड़े तो एकदम संस्कार निकल के आ जाते हैं, पता चला पड़ोसी के भी संस्कार हमारे अंदर आ गए, लेकिन जैसे ही पापा मम्मी गए, बस हो गया, है ना। तो ये जो है, ये अस्थायी चुंबक का गुण है, कि अगर आप, जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल मैं लेता हूँ, पेपर क्लिप आप सबने देखी होंगी, पेपर क्लिप जो होती हैं वो चुपचाप ऐसे पड़ी रहती हैं, उनमें कोई रिलेशन नहीं होता, ना आपस में अट्रैक्शन है ना कुछ है, ऐसे चुपचाप मेज पे पड़ी हुई थी। अभी ये पेपर क्लिप अगर आप टच कराओ तो एक दूसरे में नहीं चिपकती, लेकिन अब यहां से आप क्या करो, आप एक मैग्नेट लो, मैग्नेट लिया, अब मैग्नेट को लेकर आपने एक पेपर क्लिप उसमें ऐसे अटैच कर दी, अभी ये पेपर क्लिप आपस में नहीं चिपक रही थी, लेकिन जैसे ही एक पेपर क्लिप इससे चिपक गई, तो अब ये खुद अपने आप में एक मैग्नेट बन गई है। अब ये क्या करती है, दूसरी पेपर क्लिप्स को भी अपने से जोड़ने लगती है, क्यों, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में आ गई है, चुंबकीय क्षेत्र में आ गई है, तो खुद को उसने चुंबक बना लिया, और अगर आप ये मैग्नेट हटा लो तो ये फिर से अलग अलग हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे मैग्नेट को हम कहते हैं टेम्परेरी मैग्नेट, अस्थायी चुंबक। इसमें आपके आयरन नेल, पेपर क्लिप, या आपने कभी ध्यान दिया होगा
कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खोली होगी पेचकस से, तो क्या देखते हो पेंच जो होते हैं वो पेचकस में चिपक जाते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे करके। लेकिन जब अलग अलग रखो तो नहीं चिपकते, तो वो टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं, अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं और वो सॉफ्ट आयरन के बनाए जाते हैं। ठीक है भाई, ये पॉइंट आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। ऐसे चुंबक जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर खुद को चुंबक बना लेते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र हटा लो तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाते हैं, उन्हें अस्थायी चुंबक कहते हैं। ठीक है, अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप ऑफ मैग्नेट जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक कैसे बनाए जाते हैं? बहुत आसान तरीका। आप सबको पता है कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वो अपने चारों ओर कौन सी फील्ड बनाती है भाई? चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है चारों ओर, वो किस वजह से बना है? क्योंकि करंट फ्लो हुआ है, विद्युत धारा प्रवाहित हुई है। तो बस इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे ही बनाए जाते हैं। कैसे? किसी भी वायर में विद्युत धारा प्रवाहित करा के, करंट फ्लो करा के उस मटेरियल को मैग्नेटाइज्ड कर देना, चुंबकित कर देना, ही क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सबने मूवी देखी है रोबोट 2, या रोबोट कोई भी देखी हो, रजनीकांत वाली रोबोट मूवी देखी है? हाँ भाई बताओ भैया, रोबोट देखी है? मूवी देखी है? किसी ने नहीं देखी क्या? दो पार्ट बन के आ गए मूवी के, देखे नहीं हो? चलो भाई देखी है, चलो भाई रितु जी ने देखी है, चलो बढ़िया है। तो ये जो मूवी आप लोगों ने देखी है, इसमें एक सीन आता है, रोबोट फर्स्ट में भी था और रोबोट 2 में भी है। उसमें आपने देखा होगा, फर्स्ट में जब ऐश्वर्या राय पढ़ाई कर रही थी मेडिकल कॉलेज में, तो पीछे जागरण चल रहा था, तो उसमें काफी साउंड हो रहा था जिसकी वजह से पढ़ाई में डिस्टर्बेंस था। तो वहां पे रोबोट जाते हैं, रजनीकांत वहां पे, वो लोग जब उन्हें मारने आते हैं काफी हथियार लेकर, तो वो अपने आप को मैग्नेट बना लेते हैं और सारे के सारे हथियार उसमें जाकर चिपक जाते हैं, और फिर वो अपने आप को डीमैग्नेटाइज कर लेते हैं तो सारे हथियार उनकी बॉडी से छूटकर नीचे गिर जाते हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होता है। उसमें करते क्या है, वो अपने अंदर करंट फ्लो कराते हैं जिससे उनका जो पूरा बॉडी सूट है वो लोहे का है, तो वो पूरा का पूरा क्या बन गया? मैग्नेट बन जाता है, और मैग्नेट बन जाता है तो वो चीजों को अटैच कर लेता है, और जब उसे छोड़ना होता है तो वो फिर से अपना करंट फ्लो बंद कर देते हैं और वो छूट जाते हैं। तो वही कहलाते हैं विद्युत चुंबक कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे विद्युत चुंबक और कहाँ कहाँ काम करता है आप देखो। सिंपल सा, आपके घर में बेल है, अब तो वो गाने वगैरह आने लगे हैं बेल में, पहले वो जो सिंपल वाली बेल होती थी, जो नहीं रॉड होता था छोटा सा, वो बार बार सीट में टकराता था उससे बेल बजती थी, वो जो बेल होती है उस बेल में यही कॉन्सेप्ट काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। वहां पे बार बार एक साइकिल करंट फ्लो होता है, वो मैग्नेट बन जाता है, चिपका लेता है उसको, तुरंत करंट बंद होता है, फिर दूर जाता है, फिर ऐसे करते करते आपके घर की बेल काम करती है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े गैराज जो होते हैं जहाँ पे कारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो वो इसी की हेल्प से ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं? इस तरह से एक बड़ा सा क्रेन होता है जिसमें एक लोहे की बड़ी सी सीट होती है, ऐसे उस सीट को कार के ऊपर रख दीजिए, लोहे की है, कार के ऊपर रख दीजिए, उसमें करंट फ्लो कराइए। करंट जैसे उसके अंदर फ्लो होगा, ये लोहे की सीट है, अंदर वायरिंग कर दीजिए और इसमें करंट फ्लो कराइए। करंट फ्लो होगा तो ये लोहा के जो सीट है लोहे की, वो पूरी की पूरी मैग्नेट बन जाएगी, अब वो कार उसमें चिपक जाएगी। अब वो कार को लिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, और जहां पे रखना होता है वहां पर ले जाकर करंट बंद कर दीजिए। करंट का फ्लो बंद तो लोहे का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म, और बस कार वहीं पे छूट जाएगी। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं? आपके काम करते हैं। ठीक है भाई, तो हमने मैग्नेट के बारे में देखा कि मैग्नेट 3 टाइप के होते हैं भैया, कौन कौन से? एक आपका परमानेंट, दूसरा टेम्परेरी और तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। बोलो भाई यहां तक क्लियर सभी को? किसी को कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो बताइए भाई।
एनीवन हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चन तो बताओ भाई। वेल्डिंग मशीन में? नहीं, वेल्डिंग मशीन में तो आपकी गैस होती है, वो गैस आकर फिल्ड करती है वहां पर, कोई समस्या नहीं है। बोलो भैया जल्दी से, हाँ ना कुछ तो बोला करो, शुरू वाला रिपीट कर दें। अच्छा भाई आओ, स्टार्टिंग वाले में कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना सा बताया व्हाट इज द मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक ऐसे मटेरियल है जो लोहे और लोहे जैसे चीजों को अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, उसे मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट दो टाइप के होते हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी चुंबक, सॉरी, मैग्नेट दो टाइप के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक चुंबक जो होता है वो लोहे का अयस्क होता है, जिसे मैग्नेटाइट या लोड स्टोन कहते हैं। कृत्रिम चुंबक जो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जैसे बाल मैग्नेट, हॉर्स शू, रिंग मैग्नेट, ये सारे के सारे। अच्छा, इसके बाद हमने देखा अगर कभी भी आप मैग्नेट को स्वतंत्र रूप से लटकाएं तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही जाकर रुकता है, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। ओके भाई, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो होगा अर्थ का वो इसके साउथ पोल की तरफ होगा, और जो साउथ पोल होगा वो नॉर्थ पोल की तरफ होगा, लेकिन ज्योमेट्रिकल में अगर जाओगे तो सेम साइड होता है, नॉर्थ नॉर्थ की तरफ, साउथ साउथ की तरफ, इस तरह से याद रखना है। फिर हमने प्रॉपर्टी देखी, मैग्नेट में सेम पोल रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि विपरीत ध्रुव आकर्षण, समान ध्रुव प्रतिकर्षण। और मैग्नेट कभी भी अकेला सिंगल पोल में नहीं पाया जाता, हमेशा डबल नॉर्थ साउथ एक साथ पाए जाएंगे, कभी भी अकेले अकेले नहीं पाए जाते, ठीक है। फिर हमने मैग्नेटिक के जो मटेरियल थे टाइप्स देखे, तीन टाइप के मैग्नेट होते हैं, स्थायी अस्थायी और विद्युत चुंबक। स्थायी चुंबक वो हैं जो एक बार चुंबक बन गए हमेशा के लिए बन गए, उन्हें कहते हैं हम क्या, स्टील से बने हुए स्थायी चुंबक। लेकिन इनको भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लॉस कर सकते हैं, किस तरह से? तीन तरह से, हाई टेम्परेचर पे गर्म करिए, या हथौड़े से पीटिए, या फिर इन्हें अप्रोप्रिएट मैनर में रख दीजिए, तो इनके प्रॉपर्टीज का लॉस हो जाता है। फिर हमने देखा अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक वो है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखो तो चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र हटा लो तो चुंबकीय प्रॉपर्टीज भी खत्म हो जाती हैं, इन्हें अस्थायी चुंबक टेम्परेरी मैग्नेट कहा जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेट वो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करके मैग्नेट बन जाते हैं, और करंट फ्लो कर दो बंद तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी खत्म, इन्हें विद्युत चुंबक कहा जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चुंबकीय पदार्थ, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल कितने टाइप के होते हैं। अगर हम बात करें मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि चुंबकीय पदार्थों की, तो वो भी तीन तरह के ही बताए गए। कौन कौन से? पहला प्रतिचुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक, दूसरा लौह चुंबकीय यानी कि फेरोमैग्नेटिक, तीसरा अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक। यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि चुंबकीय पदार्थ तीन कैटेगरी में बांटे गए हैं, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय। ये तीनों होते क्या हैं, काम कैसे करते हैं, बस वही आपको यहाँ पे समझना है, और बिल्कुल आसानी से समझना, बाकी ज्यादा डिटेल में जाना नहीं। अगर बात करें पैरामैग्नेटिक के, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, तो एक लाइन का आंसर है, ध्यान से समझना। मान लो हमारे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास पहले से ही, मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक ऐसा मटेरियल रख दिया, आपने इसमें लाकर एक ऐसा पदार्थ रख दिया, वो पदार्थ रखते ही क्या हुआ, आपने देखा कि वो पदार्थ रखते ही उसने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही खुद की एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बना ली। उसने क्या किया है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही खुद का एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बना लिया, तो वहां पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है, टोटल फील्ड जो है वो थोड़ा सा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि पहले मैग्नेटिक फील्ड बी थी, अब इसमें उसी दिशा में दूसरी फील्ड आ गई है, तो
तो दोनों जुड़ गए तो टोटल फील्ड थोड़ा सा बढ़ जाती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक वो पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही खुद की एक छोटी सी चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, उन्हें पैरामैग्नेटिक कहा जाता है। बस इतना सा पॉइंट आपको दिमाग में बैठा लेना, और कुछ नहीं पढ़ना। एग्जाम्पल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, पूछ देंगे कि बताओ इनमें से पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है, तो आपको याद रखना है एल्युमिनियम, प्लेटिनम, क्रोमियम, मैग्नीज, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ आयरन, निकल, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं, यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ। अगर इन्हें आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि तो खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं सेम डायरेक्शन में। अच्छा भाई, इसके बाद सेकेंड आता है, सेकेंड आते हैं डायमैग्नेटिक, यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ये क्या करते हैं? सेम वही चीज, चुंबकीय क्षेत्र लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप ऐसे पदार्थ रखते हैं जो डायमैग्नेटिक होते हैं, डायमैग्नेटिक कब कहेंगे? जो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में खुद का एक छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में बना रहा है, इसलिए टोटल जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको घटाने से आ रहा है। तो ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना बनाकर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में खुद का फील्ड बनाते हैं, उन्हें डायमैग्नेटिक कहा जाता है। कि विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को थोड़ा सा कम कर देंगे, तो ऐसे पदार्थ डायमैग्नेटिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आता है? गोल्ड, सिल्वर, जिंक, कॉपर, मर्क्यूरी, वाटर, एल्कोहल, एयर, हाइड्रोजन, ये सब, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में बनाते हैं। इसके बाद तीसरा टाइप आता है, तीसरा टाइप है लौह चुंबकीय पदार्थ। ये क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप इन्हें रखो तो ये भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, छोटी सी नहीं बनाते हैं, एक बड़ी सी फील्ड बनाते हैं, बहुत स्ट्रांग, तो जिससे कि टोटल फील्ड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे पदार्थों को कहा जाता है लौह चुंबकीय। तो फेरोमैग्नेटिक वो मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड खुद का बनाते हैं, उन्हें लौह चुंबकीय कहते हैं। तो टोटल फील्ड इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एग्जाम्पल तीन है फेमस, आयरन, निकेल और कोबॉल्ट, यही तीन सबसे ज्यादा आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो तीनों टाइप के मटेरियल क्लियर है सभी को? हाँ भाई, कहाँ पे डायमैग्नेटिक में निकेल कहाँ आता है? निकेल लौह लौह चुंबकीय पदार्थ है भाई, निकेल डायमैग्नेटिक नहीं होता। कहाँ डायमैग्नेटिक में हमने निकेल दिया है? गोल्ड, सिल्वर, जिंक, कॉपर, मर्करी, वाटर, एल्कोहल, एयर, हाइड्रोजन। नहीं, डायमैग्नेटिक नहीं होता, फेरोमैग्नेटिक होता है, ये फेरोमैग्नेटिक होता है। इसे आप पैरा कर सकते हैं लेकिन डायमैग्नेटिक नहीं कर सकते हैं। हाँ बताओ भाई, और किसी को कोई डाउट पूछो जल्दी से। बाकी का पार्ट आज कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी का पार्ट। आगे जितने भी चीजें हैं, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर, ये सब आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है भाई, तो इतना पढ़िएगा, कहीं भी कोई डाउट लगे तो नेक्स्ट क्लास में आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओके, चलो भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, हैव अ ग्रेट डे। ओके, बताओ भाई जल्दी से। हेलो। हाँ बताइए भाई। हाँ सर, ये थोड़ा सा बता दीजिए। एक तो सर आपने जो मैग्नेटिंग उसको सिस्टम को खत्म करने के लिए गर्म पानी करने के लिए बताया था सर, कि गर्म पानी में उसको डाल देंगे तो मैग्नेटिक गरम सिस्टम पानी खत्म, नहीं, गरम करेंगे। मतलब चुंबक को गर्म करेंगे सर। हाँ, अच्छा, तो चुंबक को हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो धीरे धीरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म होती जाएंगी। सर ये जो नेचुरल वाली
वो मैग्नेट होती है ज्योग्राफिकल वाली, दोनों को ही गर्म करेंगे तो खत्म हो जाएगा या हाँ, नेचुरल तो वाली? आपके जितने भी पर जो स्थायी चुंबक है उसमें आपका हाँ नेचुरल मैग्नेट भी आता है, उसको भी आप खत्म कर सकते हैं। अच्छा, तो सर अगर हम जो नॉर्मल हमारे पास मैग्नेट जो ब्लैक वाली मिलती है उसको अगर हम गर्म करेंगे तो उसका मैग्नेट सिस्टम खत्म हो जाएगा सर? हाँ अभी अभी हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे क्यूरी टेम्परेचर, जैसे ये लॉ चुंबकीय पदार्थ आप पढ़ रहे हैं, तो अगर हाँ आप जी। लोहे का एक बढ़िया सा मैग्नेट बना लें, तो अगर आप इसको 700 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म कर देंगे ना, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म कर देंगे। अच्छा, और सर जो आपने बताया कि स्टील स्टील के अंदर अगर हम वो बनाते हैं मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, उसमें भी सर ये चीज फॉलो होगी? अच्छा हाँ, परमानेंट मैग्नेट के लिए ही है वो, जितने भी अच्छा स्थायी चुंबक हैं सबको आप हाई टेम्परेचर पे गर्म करिए, या फिर हथौड़े से बहुत पीटिए, या फिर इनअप्रोप्रिएट मैनर में रखिए, वो धीरे धीरे अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लॉस कर देगा। हाँ। और सर ये चीज थोड़ी समझ में नहीं आई सर, आपने दो टाइप के जो नॉर्थ और साउथ पोल फ्री रूप से वो होंगे, तो सर एक थोड़ा सा मतलब एक तो 90 डिग्री मतलब 180 डिग्री देखो देखो, दो हॉरिजेंटल होते में हैं खड़ा सर्कल हो। में, दो टाइप के पृथ्वी के पास पोल होते हैं। पृथ्वी के पास एक तो होता है ज्योमेट्रिकल पोल, दूसरा होता है, एक तो भौगोलिक होता है उत्तर दक्षिण, दूसरा होता है चुंबक, जो कि पृथ्वी के पास खुद का चुंबक भी है, तो पृथ्वी का एक चुंबकीय खूबी होता है। तो जब हम स्वतंत्र रूप से कोई मैग्नेट लटकाते हैं तो वो पृथ्वी के ज्योमेट्रिकल पोल से तो समान ध्रुव लेता है, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ की तरफ, साउथ साउथ की तरफ। लेकिन अगर आप मैग्नेटिक पोल देखेंगे तो हल्का सा टिल्ट होता है, और वो भी अपोजिट के साथ जुड़ता है। मैग्नेट का नॉर्थ पृथ्वी के मैग्नेट के साउथ की तरफ होता है, ये अंतर है। तो थोड़ा सा ये जो एक्चुअली नेचुरल में और सर ज्योग्राफिकल में इनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है सर, थोड़ा सा ये नहीं किया नेचुरल अगर? जो ज्योमेट्रिकल में नहीं, वो पृथ्वी का चुंबक है, सर पृथ्वी का चुंबक नहीं समझ में आया थोड़ा वो अभी आप देख लेना, शायद आप लेट ज्वाइन किए थे, मैंने सा। स्टार्ट में एक्सप्लेन किया, रिकॉर्डेड सेशन आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, ना हाँ हो जी तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।